इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मंच है ये और आज स्वास्थ्य और सौभाग्य के इस मंच में हम बात करेंगे 2021 की। देश के बड़े डॉक्टर्स आज इंडिया न्यूज के मंच पर आएंगे और कैसे आप 2021 में फिट रहें और वैश्विक महामारी कोरोना से कैसे बचें, इस बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे मंच पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जैसे बड़े नाम शामिल रहेंगे और आपको कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि टैरो कार्ड के हिसाब से आपके लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि खास सिंबल के जरिए आप 2021 में सौभाग्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और साल 2020 में जो काम नहीं बन पाया आपका उन्हें आप कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा राशियों के हिसाब से नया साल कैसा रहने वाला है, इस बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर आचार्य अजय भांबी। और इस वक्त हमारे साथ आचार्य अजय भांबी जुड़ गए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अजय भांबी जी आपसे मेष राशि के जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी चाहेंगे कि उन लोगों के लिए कैसा रहेगा नया साल। नमस्कार, मेष राशि वालों के लिए जो इस वर्ष का ग्रह स्थिति है 2021 बहुत अच्छी है। बृहस्पति अभी वर्तमान में दशम भाव में है और शनि भी है, दोनों की युति भी है। दशम भाव जो होता है एक्शन का भाव होता है, कर्म का भाव होता है और आदमी के कुछ कर गुजरने का भाव होता है। तो शनि यही रहने वाला है, गुरु यहीं पर है, काले गुरु बीच का है। इसके बाद में अप्रैल में 6 अप्रैल को गुरु एकादश भाव में जाएगा। एकादश भाव लाभ का भाव होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो वर्ष है आप अपने स्थितियों को में बदलाव ला सकते हैं। जो भी आप अपने विचार बनाएंगे, जो भी आप योजनाएं बनाएंगे उन पर अगर आप ठीक से काम करेंगे तो आपको उनसे बहुत अच्छा लाभ होगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन धान्य के लिए स्थितियां अच्छी होंगी। अगर नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी आपको बहुत जल्द प्राप्त होगी। और जो लोग व्यापार करना चाह रहे हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं उसके लिए आपको अप्रैल के बाद उस तरह की स्थितियां बनेंगी आपकी। तो जमीन जायदाद खरीदी जा सकती है, घर में सुख संपन्नता आएगी, आप अपने को बहुत बढ़िया से एडजस्ट करके पाएंगे। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष विवाह भी हो सकता है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा, वो महीना थोड़ा अच्छा नहीं है, वहाँ ग्रह स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर यह एक वर्ष जो पिछले वर्ष की जो भी कमियां रह गई बहुत कारणों से वो खत्म होंगी और आपका उत्साह दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए यह एक बहुत ही उम्दा वर्ष है और नई शुरुआत का वर्ष है और नए सोपान इस वर्ष में। ठीक है, शुरुआत अच्छी हुई है, आपने कहा मेष राशि वालों के लिए ये उम्दा वर्ष रहने वाला है और हम चाहेंगे कि एक एक करके सभी राशियों पर बात हो ताकि सभी राशियों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उन्हें मालूम चल सके कि अगले साल क्या करना है क्या नहीं करना है। वृष राशि की बात करते हैं, इसमें ग्रह स्थिति बात करते हैं। वृष राशि के ऊपर राहु चल रहा है, जो राहु अच्छा है और राहु को दो तरह से उच्च मानते हैं, या तो वृष में हो तब या मिथुन में हो तब, लेकिन उच्च अगर ना माने तो भी राहु अच्छा होता है। और नवम में इस साल जो शनि चलेगा, चल ही रहा है, पूरे साल चलेगा, गुरु भी नवम में है, फिर दशम में हो जाएगा अप्रैल में, बाकी ग्रह स्थिति अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने एक पैनापन आएगा, एक स्पष्टता आएगी, आप जो करना चाह रहे हैं जो आपके कन्फ्यूजन थे वो खत्म हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी होगी अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, और जो आप प्लान करना चाह रहे हैं उसमें एक बहुत निष्ठा भी होगी, पैनापन होगा। और जब ये सारे गुण मिल जाते हैं किसी भी व्यक्ति में तो वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। शनि की स्थिति नवम भाव में है, नवम भाव होता है भाग्य का भाव, तो भाग्य आपका सहयोग देगा। गुरु हालांकि वहाँ पर नीचे हैं लेकिन गुरु खराब नहीं है, भाग्य में जो गुरु है तो राशि को देखेगा, वहाँ
अच्छा है उसका 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 जो गुरु का जो एस्पेक्ट होता है, दृष्टि होती है, वो शुभ मानते हैं। तो दृष्टि अच्छी है, शनि अच्छा है, फिर गुरु दशम भाव में जाएगा। दशम भाव में जाएगा तो वो कर्म का भाव है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा साल है। वहाँ से वो देखेगा कर्म के भाव से आपके धन भाव को, तो धन भाव की स्थितियाँ अच्छी होंगी। फिर वो देखेगा आपके वहाँ से चतुर्थ भाव के, तो ज़मीन जायदाद खरीदी जा सकती है, वाहन लिया जा सकता है और घर में रेनोवेशन कराया जा सकता है। तो एक नए माहौल का जो शुरुआत है वो वहाँ पर होगी, और जो आपके विरोधी होंगे वो आपको तंग नहीं कर पाएंगे, उन पर भी आप हावी रहेंगे। और नाइन्थ हाउस जो होता है उससे यात्राओं का भी संबंध होता है, और लंबी यात्राएं, तो लंबी यात्राएं का संयोग बन रहा है, लेकिन ये बनता है जून के बाद। उससे पहले जो विदेश में जिनसे आप डील करना चाहते हैं, जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको आप जीवंत कर सकते हैं, उनको आप नया बना सकते हैं, वहाँ से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे, ये साल आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया है, और आप उन उम्मीदों पे खरा उतरना। हम तो यहाँ से अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन प्रयास आपके सद होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, तब आप देखेंगे बहुत उत्तम परिणाम आपको इस साल मिलेगा। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है आचार्य जी, कि जो भी बातें कही जा रही हैं अलग अलग राशियों के बारे में, उसे जरूर ध्यान में रखिए, लेकिन प्रयास आपको करना है। नए साल में नई उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जो गुजरता हुआ साल है वहां पर बहुत गम हमने देखे हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं, लेकिन ऐसे में आने वाला साल कैसे और अच्छा बीते, इसके बारे में पहले से जानकारी, पहले से योजना होनी बहुत जरूरी है। मिथुन राशि जिनकी है आचार्य जी, उनके बारे में भी कुछ बताएं। मिथुन राशि जिनकी है उनके साथ स्थिति क्या है कि हम महत्वपूर्ण ग्रहों को ले रहे हैं जो गोचर में है, शनि और गुरु की युति हुई अभी मकर राशि में, और मिथुन से वो अष्टम पड़ती है, और वहाँ पर गुरु भी अष्टम में है और शनि भी अष्टम में है, लेकिन बाकी स्थितियाँ अच्छी हैं, मंगल की स्थिति अच्छी है और ग्रह अच्छे हैं, सूर्य की स्थिति अच्छी है। तो ऐसा बोलूँगा मैं कि यहाँ से लेकर मार्च तक का जो समय है थोड़ा नरम है, कमजोर है, ध्यान रखिएगा, और इन दिनों में कोई बृहत योजना नहीं बनाना चाहिए, तो बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उन लोगों से डील नहीं करना चाहिए जिनके प्रति आप आश्वस्त नहीं हैं। जो भी आप नए काम कर रहे हैं नए लोगों के साथ या पुराने लोगों के साथ कर रहे हैं, अगर इफ़ यू आर नॉट श्योर कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस कार्य का परिणाम क्या होगा, अगर आपको अंदाज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो मार्च तक अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही गुरु अगले भाव में जाएगा, नाइन्थ भाव में, वहाँ से स्थितियाँ आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी, और सडनली आपको लगेगा कि जैसे कोई धुंध सा हट गया है, कोहरा हट गया है, और आपको काफ़ी स्पष्टता आ रही है, और उसके बाद आपका जो आत्मविश्वास है उसमें बहुत बहुत बढ़िया सुंदर इजाफा होगा, तो वहाँ से आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और फिर आपका उसके साथ साथ जो पराक्रम है उसमें भी बहुत बदलाव आएगा, आपके कांटेक्ट बनेंगे और कांटेक्ट आपके नए बनेंगे, और जो कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है उसके माध्यम से भी आप अपने को काफ़ी आपका विस्तार होगा, ये विस्तार का भी समय है। उसके साथ में जो आपकी क्रिएटिविटी है जी, आप क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं। जो लोग लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा आदि या टेलीविजन से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ इच्छाओं की पूर्ति का सभी समय है। अगर मान लीजिए आपको प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसको आप अमल में लाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो उसमें आपको इस दौरान में अप्रैल के बाद दिक्कत नहीं आएगी, और काफ़ी बढ़िया से आपके काम चलेंगे। बीच बीच में यात्राएं भी होती रहेंगी, विदेश से भी लाभ का सहयोग बनता है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले हैं खासतौर से अप्रैल के बाद, उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, और इस वर्ष में हम ऐसा भी कह सकते हैं एक तो 3-4 महीने के बाद आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर यह एक अच्छा वर्ष है, लेकिन शुरू के 2-3 महीनों में ध्यान रखिए। जी जी,
ये तो बात हुई मिथुन राशि की। और जिन लोगों ने इंडिया न्यूज अभी अभी ट्यून किया है, हम उन्हें बता दें कि ये हमारा स्वास्थ्य और सौभाग्य मंच है। हमारे साथ आचार्य अजय भांबी जी जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों की कि उनके लिए जो लोग उन राशियों से ताल्लुक रखते हैं, आने वाला साल कैसा रहेगा और कैसे अपने साल को पहले से योजना बनाकर वो और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आचार्य जी, अब कर्क राशि वालों के लिए भी कुछ बता दीजिए। अब कर्क की बात करते हैं, कर्क राशि से स्थितियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि एक तो जो राहु है वो एकादश भाव में है, लाभ के भाव में है, पूरे साल रहने वाला है, ये स्थिति बहुत ही सुखद है। और राहु इलेवेंथ में होता है तो आदमी को बहुत सारे गेम्स होते हैं। और सेवंथ में गुरु है अभी वर्तमान में, और शनि भी सेवंथ में है, बाद में शनि वहाँ जाएगा अष्टम, सॉरी गुरु अष्टम में जाएगा। तो यहाँ से जो तीन चार महीने हैं शुरू के, ये बहुत लाजवाब हैं। आप जो भी अपने कार्य हैं उन्हें आप आगे बढ़ाएं। मसलन कोई आप नया काम शुरू करने वाले हैं, मकान बनाने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, जो भी आप बृहद काम करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट का आपका प्लान है, या कोई आप अपना फैक्ट्री वगैरह कुछ भी मिल वगैरह लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। या कोई नया क्रिएटिव काम आप करना चाह रहे हैं, उसमें आपको बहुत सुलभता महसूस होगी, लोग आपका सहयोग करेंगे, कुछ नए लोगों से पार्टनरशिप बनेगी, ये भी आपके काफ़ी काम आएंगे। तो इन कार्यों को अगर आप अभी से मजबूत बनाएंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। बाद में जब थोड़ा सा गुरु की स्थिति डावाडोल होगी अप्रैल के बाद, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने अपनी नींद का पत्थर अभी रख दिया तो फिर आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी, वो मैनेजेबल हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, इन हर दिन का उपयोग करना चाहिए, उनको ऐसा बोलते पूरी ज़िंदगी करना चाहिए, लेकिन आपके लिए ग्रह स्थिति ऐसा जब बोलती है अगले तीन चार महीने, अगर आप अपने सारे कार्यों को एकदम ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मान लीजिए एग्जाम देते हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम देते हैं, इससे नौकरी और कैरियर का संबंध है, उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नई पार्टनरशिप हो सकती है, नए लोगों से फिर मुलाकात हो सकती है, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है और अपनी नींव का पत्थर रखा जा सकता है। और नींव का पत्थर रखने का जो मौका हो, हमारे ऐसा मानना है, चूकना नहीं चाहिए। जी जी, तो फिर से एक बार दर्शकों हम आपको याद दिला दें कि ज्योतिष आपके लिए भविष्यवाणी जरूर करता है। नए साल में कौन सी राशि के लिए साल कैसा रहेगा ये हम बता रहे हैं, लेकिन उन भविष्यवाणियों को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास आपको ये करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि जो है इसमें स्थितियाँ अच्छी हैं और जो शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, छठे भाव में शनि है, पूरे साल रहने वाला है। और छठे भाव में शनि का तात्पर्य यह हुआ, यह आपको एक नए मुकाम पर लेके जा रहा है। और इसके साथ में ये जो राहु की स्थिति है दशम भाव में, वो बहुत अच्छी है। दशम भाव का राहु उस तरह की सफलता प्रदान करता है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते। अगर उम्मीद ना हो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कुंडली के दशम भाव में राहु था, तो उसकी अकेले उसकी दम पर ही वो प्रधानमंत्री बन गए अकेले होते हुए भी, क्योंकि एक ज़माने में बीजेपी काफ़ी कमजोर थी, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला। तो दशम भाव का राहु बहुत अच्छा होता है। गुरु की स्थिति ऐसी है, अभी अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक गुरु छठे भाव में रहेगा, उसके बाद सप्तम में आएगा, लेकिन बाकी सारे ग्रह अच्छे हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ही खास साल है। शुरू के दो तीन महीने अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपको पूरे साल कुछ नहीं करना पड़ेगा और आप बिल्कुल आराम से अपनी योजनाओं को एक के बाद एक बनाते चले जाएंगे। जैसे आप कोई महल बना रहे हैं, अगर आपने नींव अच्छी रखी तो फिर आपकी जितनी मंजिलें हैं आप बनाते जाओ, वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ में एक और बात है, कुछ ऐसे जो अवसाद कभी रह गए थे वो इस साल पूरे होंगे। अगर विवाह के योग्य हैं तो विवाह अवश्य होगा, और अगर संतान की तलाश में हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यात्राओं का सिलसिला बनेगा, आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और धन धान्य से आप काफ़ी पूर्णता आएगी, संपन्नता आएगी और ये एक खुशहाली वाला वर्ष।
अब बारी है कन्या राशि पर चर्चा करने की। आचार्य जी, कन्या राशि वालों के लिए 2020 जैसा ही रहेगा अगला साल या फिर कुछ बेहतर लेकर आएगा? नहीं नहीं, ये कन्या राशि के लिए ग्रह स्थिति काफी बेहतर हो रही है, क्योंकि एक तो देखिए कन्या राशि के लिए जो हम राहु की बात करते हैं, 9th में है, पूरे साल रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। शनि पंचम में रहेगा और गुरु जो है अभी पंचम में है, तो बाकी ग्रह जो है बदलते रहते हैं। बाकी ग्रह सब जानते हैं, चंद्रमा तो 2.5 दिन 2.25 दिन में हो सकता है, बाकी सब बदलते हैं, तो उनको गणना में नहीं लेके जो तो मूल ग्रह हैं, महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उनको हम ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पंचम ग्रह में अगर गुरु शनि की युति है तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो क्रिएटिव फील्ड से हैं, जो साधना के क्षेत्र से हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, रिसर्च के फील्ड से हैं, सॉरी उनके लिए ये वर्ष बेहतरीन है। वहां पर नया माहौल बनेगा, नए लोग मिलेंगे जो आपके विचारों को सुनना चाहेंगे, आपकी बातों को समझना चाहेंगे, और जब भी कोई क्रिएटिव आदमी होता है उसको कोई उसकी बात को तवज्जो दे, उसको सुने, उसको महसूस करे और सहयोग करे, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है अपने आप बढ़ जाती है। जितने भी क्रिएटिव लोग हैं किसी भी राशि के हों, मैं समझता हूँ मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि अगर आपका आप जो काम करते हैं उसका कोई अप्रिशिएशन मिल जाए बच्चे से लेकर बूढ़े तक, तो वो होता है, ये आपके लिए खास तौर से है। आपको मिलेंगे लोग, इसलिए बोल रहा हूँ, मिलते नहीं कई बार, आपको मिलेंगे, आपको उत्साह बढ़ाएंगे और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो आपके विचार हैं तो उनको आगे रखेंगे, उनको अमल में लाएंगे, तो आप देखिएगा उन विचारों का एक पूरा ऐसा माहौल बदलेगा जिससे आपकी साख तो बढ़ेगी ही और एक आप उस मुकाम पर जा पाएंगे जिस मुकाम के लिए आपने काफ़ी तपस्या की। धन के लिए वर्ष अच्छा है, आय में वृद्धि होगी। अगर जॉब बदलना चाह रहे हैं या स्विच ओवर करने के चक्कर में नए जॉब में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी प्रेम में हैं वो जिंदगी को एक दिशा दे सकते हैं, और अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उस दृष्टि से अच्छा है। कुल मिलाकर यह एक संतोषदायक वर्ष है। तो कन्या राशि वालों के लिए संतोषदायक वर्ष ये रहेगा आने वाला साल 2021। अब बात करते हैं आचार्य जी तुला राशि वालों की, क्या उनके लिए भी अच्छे संकेत हैं अगले साल? देखिए तुला राशि के लिए वर्ष तो ठीक है, लेकिन जो शुरू के 2-3 महीने हैं वो थोड़े से इतना सहयोग नहीं करेंगे जितना सहयोग की आवश्यकता है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ से लेकर जनवरी फरवरी मार्च के जो महीने हैं यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखें और अपनी योजनाओं को डोंट गो ओवरबोर्ड, मतलब ऐसा काम ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए, या आपको इन्वेस्टमेंट करना है मान लीजिए बाद में, आपने पहले कर दिया या आपने गड़बड़ कर दिया। ठीक है ठीक है आचार्य जी, वक्त जरा सा कम है हमारे पास, मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी तमाम राशियों की बात हो जाए क्योंकि अलग अलग राशियों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे होंगे अपनी बारी का। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं हम आचार्य जी। वृश्चिक राशि के लिए ये साल अच्छा है, तो यहाँ ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, तो ऐसा बोलेंगे हम कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी, निकटस्थ स्थान की यात्राएं होंगी, यहाँ से आपको बहुत लाभ होगा। धन के लिए अच्छा है, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। अगर आप जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा रहेगा। विवाह के लिए ठीक है, परिवार में उत्सव का सहयोग बन रहा है, और अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो सेकंड हाफ में उसका भी योग होगा। ठीक है ठीक है, अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल आचार्य जी? हाँ, धनु राशि के लिए साल अच्छा रहेगा क्योंकि ग्रह स्थिति अच्छी है, और मैं ऐसा बोलूंगा कि परिवार के लिए अच्छा है, परिवार में सुख समृद्धि के लिए अच्छा है, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं और धन की वृद्धि होगी, घर में कोई उत्सव या किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। जी सॉरी सॉरी सर जी, तो जी इसके लिए अच्छा है, और जो इस साल में धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, सुख समृद्धि के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है, और जो आपकी इच्छाएं हैं उसे पूरी पूर्ण होंगी। परिवार में विवाह का योग है, अगर आप स्वयं विवाह के योग्य हैं तो विवाह आपका होगा,
वरना उत्सव का माहौल दिखेगा, धन धन वृद्धि होगी, जमीन जायदाद वाहन खरीदने का योग बना हुआ है। ठीक है ठीक है, अब बारी आती है मकर राशि वालों की। मकर राशि के लिए भी क्या अगला साल अच्छा रहेगा? मकर राशि में तो शनि भी है, गुरु भी है, तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। आपकी आत्मविश्वास वृद्धि होगी और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, और जिन कार्यों को आप आगे बढ़ाएंगे उसमें आपका परिवार भी आपका सहयोग करेगा, बाकी लोग भी आपके सहयोग देंगे, नई पार्टनरशिप हो सकती है, नया कोई बृहद कार्य में प्रवेश कर सकते हैं, विदेश जाने का योग बना हुआ है और धन की दृष्टि से अच्छा है, वाहन खरीदा जा सकता है या मकान आदि खरीदने का योग बना रहे उसके लिए ठीक है, और किसी के कोई मंगल कार्य होने का भी योग बना हुआ है। जी जी, कुंभ राशि की भी बात कर लेते हैं आचार्य जी, और कुंभ राशि के लिए आने वाला साल क्या पहले से बेहतर रहेगा? ठीक है, ये वर्ष 2021 अगर नंबर से बात करें तो इसका नंबर जो है 3 है, ये साल अच्छा है। पिछला 5 नंबर है, सिर्फ 5 बुध का नंबर है, ये अच्छा नंबर है। जो पिछला साल तक 4 नंबर था वो अप्रत्याशित होता है, उसमें सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उनके लिए अच्छा है। और मकर में गुरु है, सॉरी शनि है, वो गुरु भी है, तो बाद में अप्रैल में कुंभ में गुरु आ जाएगा, तो वहाँ से स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये साल इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साल है और आगे बढ़ाने वाला साल है, और पहले के जो भी अवसाद है वो खत्म होंगे। किसी खास तरह की एडवाइस आप देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए अगले साल, किस तरह के उपक्रम में प्रयास करना चाहिए? जी, इन्वेस्टमेंट संबंधी जो भी आपकी प्लान्स हैं इन्हें अभी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, पहले 3-4 महीने अवॉइड कर लीजिएगा। अप्रैल के बाद करेंगे तो आपको लाभ होगा, उससे पहले हानि हो सकती है। ठीक है, अब अंत में मीन राशि की भी बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए आप क्या कहेंगे आचार्य जी, किस तरह के काम में हाथ डालना चाहिए और किस चीज से बचना चाहिए? क्योंकि शनि की स्थिति एकादश भाव में है मीन के लिए, तो गुरु भी वही है, तो ये साल उनके लिए अच्छा है और उनके लिए नई उपलब्धियों वाला साल है, और कोई विशेष कार्य होगा इस वर्ष में, चाहे आप स्वयं बहुत विशेष कार्य करें, आपका संतान करे या कोई तीसरा बंदा करे, तो घर में एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन का योग है। जितनी राशियां हैं उसमें से सबसे ज़्यादा फर्टाइल राशि इस समय मीन है, और मीन में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, यात्रा होगी, विदेश जाने का योग बनेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और वाहन आदि खरीद सकते हैं और परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। जी जी, सभी राशियों की हमने बात कर ली आचार्य जी, अब अंत में मैं चाहूंगी कि संक्षेप में आप तमाम दर्शकों को एक संदेश जरूर दें, क्योंकि हमने बताया कि किस तरह से आने वाले साल का वेलकम करना है, कैसे स्वागत करना है, लेकिन कोई खास टिप्पणी, कोई खास संदेश आपका? देखिए, सबसे पहला संदेश तो मेरा ये है कि ये जो वर्ष है, अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो उसका योग बनता है 5, तो 5 का जो स्वामी होता है बुध होता है। बुद्ध का मतलब ये हुआ कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, आप अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें और आप अपने जो अवेयरनेस है उसका प्रयोग करें। अगर आप इस सब करते हैं तो जो भी मुश्किल आपकी आती है उसको आप हल कर सकते हैं, ये तो न्यूमरोलॉजी बोलती है। और दूसरा, जो पिछले साल ग्रह थे 2020 में वो बहुत खतरनाक थे और वहाँ पर हर तरह की दिक्कतें आईं, उस तरह की दिक्कतें यहाँ नहीं आएंगी। अप्रैल के बाद स्थितियाँ सबके लिए अच्छी हो जाएंगी, तो बड़े मनोयोग के साथ और धैर्य के साथ आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप सबके साथ। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम संदेश देने के लिए, जानकारियां देने के लिए। लेकिन हमारा मंच लगातार चलता रहेगा, स्वास्थ्य और सौभाग्य का ये मंच है इंडिया न्यूज पर, तमाम बड़े चेहरे आपके सामने होंगे और आपकी समस्याओं पर भी बात होगी, नए साल को कैसे आप स्वागत करें इस पर बात होगी।